पाकिस्तानी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के सामने आज इकट्ठे हुए थे हंगर स्ट्राइक के लिए। उसका पर्पस ये था कि आपके रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो एक सिविल वॉर की तरफ जो है जा रही है। वी आर हियर डिमांडिंग सेक्रेटरी ब्लिंकन, डोनाल्ड एंड एलिजाबेथ हॉर्स टू टेक रियली सिंसियर एफर्ट्स एंड एक्शंस इन ऑर्डर टू रिस्टोर डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। इमरान खान वाज स्टैंडिंग फॉर अस, राइट नाउ ही इज इन जेल। वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स, व्हाई इज ही इन जेल? ही कैन मेक गुड डील्स एंड ही कैन लीव द कंट्री व्हेनेवर ही wants like other politicians. He is there for us. Assalamu alaikum, this is Muhyidd Pirzada in Washington. क्या ये भी हो सकता है कि इमरान खान को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले रिहा कर दिया जाए? सवाल तो बहुत ही चे किस्म का बेतुक्का वाहियात लगता है, इलॉजिकल और मंतकी लगता है, लेकिन शायद किसी कोने खुदरे के अंदर एक ब्रेन वेव ये भी है और इसके प्रोज एंड कॉन के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। वो प्रोज एंड कॉन क्या हो सकते हैं, वो फॉरन अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालूंगा। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को रिग करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए बड़े ही जबरदस्त किस्म के मंसूबे के ऊपर, बड़े इंटेलिजेंट प्रैक्टिकल किस्म के मंसूबे के ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और तीसरी बात यह है कि आज वॉशिंगटन के अंदर 2 नवंबर 2023 को शदीद सर्दी के अंदर कई दर्जन पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी अमेरिकन ने अमरीका के वजारत खारजा यानी स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर एक हंगर स्ट्राइक की। उनका आर्गुमेंट क्या था, उनकी दलील क्या है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप में से बहुत से लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, और इसे लाइक करें। और इसकी वजूहात को मैं कई दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी सब चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन की तरफ। चूंकि मैं वॉशिंगटन में हूँ, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। वॉशिंगटन एक ट्राई स्टेट एरिया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी इसका कैपिटल है, अमेरिका पूरे का कैपिटल है। इसके साथ दो रियासतें मुंसलिक हैं, एक मैरीलैंड है, दूसरी वर्जीनिया है। आज कई दर्जन पाकिस्तानी अमेरिकन ने, जिनकी तादाद बढ़ती और कम होती रही, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका के वजारत खारजा जो बिल्कुल डाउनटाउन में है, वॉशिंगटन डीसी में है, वहाँ उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक की, मुजाहरा किया, नाराबाजी की। मुझे वहाँ जाके उनसे बात करने का मौका मिला। Here in front of the State Department. I think it's not a hidden secret what this building or people in this building had to play a role within a country that was at least going towards the direction of democracy and the economy was progressing. We're in front of the State Department building in Washington, D.C. So we're basically here to express our solidarity with our Pakistani brothers. They're deprived of the basic democracy. ये लोग जो हैं वो ना सिर्फ वॉशिंगटन, मैरीलैंड और वर्जीनिया की स्टेट से थे बल्कि ये बहुत दूर दराज के इलाकों से भी आए हुए थे। आर्गुमेंट उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग जो हमारे पीछे है, इसी बिल्डिंग से पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज हुआ। इशारा उनका डोनाल्ड लूक के साइफर की तरफ था। आप इसे एग्री करें ना करें, पर उनका आर्गुमेंट यही था कि यहीं से इसका आगाज हुआ है और आज पाकिस्तान के अंदर जो एक नियर सिविल वॉर किस्म की सिचुएशन है, और पाकिस्तान की मईशत जो एक बेहतरी के रास्ते पे थी, एक ऐसा मुल्क जो जमहूरियत के रास्ते ऊपर जा रहा था, वहां मुकम्मल तबाही हो चुकी है, जिसका मंसूबा कम अज कम यहां से इग्नाइट हुआ था, ये शुरू हुआ था। इसलिए वो कहते हैं, उनका कहना था कि सेक्रेटरी जो ब्लिंकन है, सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन जो है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर इंश्योर करें कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। ये और हुस्ने इत्तफाक है कि आज ही के दिन, इन्होंने तो पहले से प्लान की हुई थी अपनी हंगर स्ट्राइक, लेकिन आज ही के दिन पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का ऐलान भी हुआ। ये और बात है कि इस वक्त अमेरिका के वजारत खारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है, उनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो इसराइल और गाजा की पट्टी के ऊपर मरकूज है, जहां अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चल नहीं पा रही। पहली दफा है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है मशरक़ वुस्ता के किसी क्राइसिस में इतनी बुरी तरह से डिसफंक्शनल हुई हुई हो जितनी कि इस वक्त नजर आती। ये थोड़ा सा इस अपॉर्चुनिटी में लूंगा आपको ये बताने के लिए कि जो ट्राई स्टेट एरिया के लोग हैं, वॉशिंगटन, वर्जीनिया, मैरीलैंड, ये गुज़िश्ता कई महीनों से मसलसल पाकिस्तान के इशू को अमेरिका में हाईलाइट करते हैं। 22 अक्टूबर को वर्जीनिया में एक बहुत ही बड़े क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज किया गया इमरान खान की रिहाई के मुतालबे के लिए और शहीद अरशद शरीफ की याद में 22 अक्टूबर 2023 को।
और बहुत लोग वहां पे, मैं वहां पे गया, मुझे वहां बोलने का मौका मिला, बहुत बड़ी तादाद में वहां पे ट्राई स्टेट एरिया के लोग जो थे वर्जीनिया से, मैरीलैंड से और डीसी से वहां पे मौजूद थे। इसी तरह इससे चंद हफ्ते पहले, ये चंद दिन पहले, बहुत बड़ी कार रैलीज ऑर्गेनाइज की गई जिसमें सैकड़ों कारों ने हिस्सा लिया, सड़कें बंद कर दी गई और बहुत एक मतलब बड़ी कैफियत थी उसकी, उसकी फुटेज अगर मैं दिखा सकूं आपको। और दो दफा कम से कम, मैं समझता हूं कि कम से कम दो दफा व्हाइट हाउस के बाहर, अमेरिका के सदर की जो रेजिडेंस है उसके बाहर बहुत बड़े मुजाहरे किए गए हैं। जो बेसिक स्पिरिट है पाकिस्तानी अमेरिकन्स की वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें और पाकिस्तान की वजह से ये मौका दिया कि आज हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे पास इकोनॉमिक फ्रीडम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रीडम्स हमारे पास हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो इस किस्म की इकोनॉमिक फ्रीडम से, इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम हैं, उन्हें उनका हम हक दिलाएं। ये बुनियादी फीलिंग और स्पिरिट है पाकिस्तानी अमेरिकन की। और अब चलते हैं उस जबरदस्त मंसूबे की तरफ जिसके ऊपर काम हो चुका है, जिसके जरिए इलेक्शन को मुकम्मल तौर पे रिग करना है। ये बड़ा ही इंटेलिजेंट मंसूबा है, बड़ा प्रैक्टिकल मंसूबा है। एक हाईली रेलेवेंट सोर्स ने पाकिस्तान की लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आज हमें ये बताया, उनसे ये पता चला कि आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने से दो तीन दिन पहले बड़ी लंबी चौड़ी लिस्टें जो हैं वो पाकिस्तान की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के पास या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के इदारों के पास आ चुकी हैं। ये सैकड़ों तहरीक इंसाफ के सेकेंडरी एंड टर्चरी कैडर के जो लीडर्स हैं, ये उनकी लिस्ट हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनसे पोटेंशियल मेंबर नेशनल असेंबली को कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जा सकते हैं, मेंबर प्रोवेंशियल असेंबलीज के कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती, इसमें वो लोग भी हैं जो एक एमएनए की कैंपेन, एक एमपीए की कैंपेन चलाएंगे मुख्तलिफ शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसीलों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और प्लान ये है, और लिस्टें आ गई हैं, इनके नाम आ गए हैं, इनके एड्रेसेस आ गए हैं, इनकी सब चीजें आ चुकी हैं, और प्लान ये है कि इनके खिलाफ एंटी टेरर ATS-7 के मुकदमे इनके खिलाफ कायम किए जाए। क्यों कायम किए जाए? मकसद इनको गिरफ्तार करना नहीं है। हदायत बड़ी क्लियर है कि इनको गिरफ्तार नहीं करना है, इनको खौफजदा करना है, खौफजदा करके इनको हरासा करके दौड़ाना है, दौड़ने पे मजबूर कर देना है ताकि या तो ये मुल्क से दौड़ जाएं कुछ अरसे के लिए, या ये अंडरग्राउंड हो जाएं, ये रूपोश हो जाएं, और जो मुमकिन इलेक्शन है, इलेक्शन तो अब ऐलान हो चुका है, उस इलेक्शन की जो तैयारी है, उसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, उसकी जो कैंपेन है, उसमें ये किसी किस्म का रोल जो है ये प्ले ना कर सकें। इन अदर वर्ड्स ये है कि तहरीके इंसाफ की पूरी जो इलेक्टोरल मशीन है पार्टी की, उसको डिसफंक्शनल कर दिया जाए। अब आप इस हकीकत से वाकिफ हैं कि 9 मई के वाकयात के बाद, 9 मई से पहले भी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां तो हो ही नहीं थी, लेकिन 9 मई के बाद तो तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जो प्रिंसिपल लीडरशिप थी उसे कानूनी तौर पर उसे फंसा दिया गया, उसे इम्प्लीकेट कर दिया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, टीवी प्रोग्राम करवाए गए, उनके ऊपर केसेस बना दिए गए, उनको बिठा दिया गया, उनको दूसरी जमातों में शामिल कर दिया गया। तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ का जो एक पार्टी का स्ट्रक्चर या ढांचा था वो तो तितर बितर हो चुका है, बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि एक तरह से डिसफंक्शनल है। लेकिन अब वो पार्टी लीडरशिप जो उस लेवल पर नहीं है, उससे नीचे की है, जहां से इमरान खान मुमकिन तौर पर लोगों को प्रोवेंशियल असेंबली के या नेशनल असेंबली के टिकट दे सकते हैं, उनके बारे में भी प्लान यह है कि उनको दौड़ा दिया जाए। तो खासा प्रैक्टिकल किस्म का प्लान है। अब इसके साथ ही बड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ये खबर तो बाद में मुझे पता चली, एक सोर्स से पता चली, लेकिन उससे पहले जिसका मुझे नहीं पता था कि हामिद खान साहब जब इमरान खान साहब को मिले, जो पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, कानूनदान हैं, बहुत मशहूर वकील हैं, उन्होंने आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से अडियाला जेल में उन्होंने मुलाकात की। जब मुलाकात करके वो बाहर निकले तो उन्होंने अखबारी रिपोर्टर्स के साथ अडियाला जेल के बाहर ही मुख्तसर सी एक उन्होंने बातचीत की, जहां लोगों ने इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनके स्पिरिट के हवाले से, पॉइजन थेरी के हवाले से, पॉइजन के हवाले से ये बता दूं कि इमरान खान साहब के जो मालिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, जिनके पर्सनल डॉक्टर हैं, जिनका ताल्लुक शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से है, उन्होंने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की। बाहर निकल के उन्होंने कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है, और इमरान खान ने उनको जो बताया कि उनको नहीं लगता कि इमरान खान को किसी भी किस्म की पॉइजनिंग की गई है। अभी कुछ देर पहले मुझे इजाज़त मिली और मौका मिला इमरान खान साहब को इधर अडियाला में विज़िट करने का। हमारे डॉक्टरों का काम रोज़ाना होता है, नया मरीज भी जब आता है तो जब वो कमरे में दाखिल होता है उसकी चाल से, ढाल से, उसके चेहरे से हम बहुत सी चीज़ें जज करने की कोशिश करते हैं, हमारा काम ही है।
और जो आपका पुराना फेमिलियर पेशेंट हो उसकी तो आप एक से छोटा सा चेंज भी हो कई सालों के बाद भी देखे तो पता चलता है। उन्होंने ये कहा कि मैंने कोई मेडिकल रिपोर्ट्स और ब्लड टेस्ट तो नहीं देखे, लेकिन जो सिम्टोमैटिक मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, उनका मैंने मुआयना किया है, उसके बेसिस पे मैं मुतमईन हूँ कि उनके अंदर कोई इस किस्म के असरात जो हैं वो नहीं पाए जाते। वो हशाश बशाश हैं, अपने यूजुअल लेवल ऑफ एनर्जी में हैं, मुतमईन हैं, उनकी कोई भी कंप्लेंट नहीं है, उनको खाने के हवाले से, अपने आराम के हवाले से किसी भी किस्म की उनकी कंप्लेंट नहीं है और उनकी स्पिरिट जो है बहुत हाई है। ये मैंने आपको एक डायग्रेशन के तौर पर बात बताई। कमिंग बैक टू हामिद खान साहब, हमारा वर्कर जो है या जेल में है या उसको अंडरग्राउंड होने पर मजबूर किया हुआ है, चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को कैद में रखा हुआ है, बहुत बड़ी नाइंसाफियां हो रही हैं। लेकिन बहर सूरत ये बात हम वाजे कर देना चाहते हैं, जो जितनी चीजें है जुर्म और जबर हो, ये पार्टी हर सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। हामिद खान साहब से भी वहां पे बहुत से सवाल पूछे गए। एक सवाल हामिद खान साहब से ये पूछा गया कि क्या तहरीक इंसाफ, चूंकि इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, उस वक्त तक प्रेसिडेंट की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात नहीं हुई हुई थी, उस वक्त तक तारीख चल रही थी 11 फरवरी की, तो हामिद खान साहब से पूछा गया कि आप समझते हैं कि 11 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। पहले तो हामिद खान साहब ने किसी शक का इजहार किया कि भाई ये तारीख मुसलसल चेंज हो रही है, पहले जनवरी के आखिर की बात की गई थी, अब फरवरी की बात हो रही है, पता नहीं इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। बहरहाल जब उनसे इंसिस्ट किया गया कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अपनी पूरी ताकत से, शिद्दत से तमाम हलकों के अंदर खड़ी होगी। तहम फिर उन्होंने उसमें ऐड किया एज अ प्रोविजो कि सूरत हाल ये है कि पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो जेल के अंदर हैं, वाइस चेयरमैन भी जेल में हैं, ना सिर्फ चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो हैं वो हिरासत में हैं, जेल में हैं, बल्कि एपेक्स कमेटीज के अक्सर मेंबरान भी या तो जेल में हैं या वो रूपोश हैं, अंडरग्राउंड हैं। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी के वर्कर्स भी, बहुत बड़ी तादाद में हमारे वर्कर्स या तो गिरफ्तार हैं या हमारे वर्कर्स को धोड़ा दिया गया है, उन्हें फोर्स कर दिया गया है कि वो अंडरग्राउंड हो जाए। अब हामिद खान साहब की स्टेटमेंट को जहन में रखें और कि जो लॉ इन्फोर्समेंट के जो एक रिलायबल ऑफिसर हैं उन्होंने जो खबर दी है कि भाई लिस्टें आ गई हैं और जो सेकेंडरी और टर्शरी नेचर के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको भी एंटी टेरर के केसेज उनके ऊपर बनाए जाएँ, इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा, ताकि उनको धोड़ने के ऊपर मजबूर कर दिया जाए। तो मकसद यह है कि तहरीक इंसाफ के पास 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन है उसके हवाले से किसी भी किस्म का लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर जो है, जो एक कैंपेन स्ट्रक्चर होता है, जो एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, वो बचे ही ना, उसका ह्यूमन रिसोर्स सारा का सारा जो है वो तितर बितर हो जाए। तो ये एक प्लान है जिसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब इस प्लान के साथ ही वो जो बेतुक्का सा सवाल है कि क्या इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है इलेक्शन से पहले, सवाल तो बहुत ही बेतुक्का है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन किसी न किसी कोने खुदरे के अंदर एक छोटी सी डिबेट ये भी हो रही है कि अगर हम सूरत हाल पे मुकम्मल काबू पा लें, अगर हम तहरीक इंसाफ के सारे लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर को और ह्यूमन रिसोर्स को तितर बितर कर दें, डिसफंक्शनल कर दें, और ऐसे मौके पे किसी अदालती फैसले के नतीजे में इमरान खान को रिहाई दिला दी जाए, तो उसके ऑप्टिक्स बड़े अच्छे होंगे, बिकॉज आप ये कह सकेंगे दुनिया को कि ये एक बड़ा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था, इमरान खान साहब को भी अदालत ने और शाह महमूद कुरैशी को भी रिहाई दे दी थी, और एट द सेम टाइम इमरान खान के पास कोई ऐसा लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर होगा ही नहीं जिसको वो किसी डायरेक्शन में जो है वो चेंज कर सके। ये प्लान, ये डिबेट, अब ये कहीं हो रही है ये नहीं हो रही, ये भी आप इसको बस इमेजिन करें, लेकिन है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात। लेकिन इसमें एक रिस्क है, इसमें रिस्क ये है कि जो लोग ये डिबेट कर रहे हैं उनके जहन में ये भी है कि ये रिस्क लिया जा सकता है, ये नहीं लिया जा सकता। मैंने आपको कहा था कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स के, इसके प्रोस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, इसके फेवर में कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके खिलाफ कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसके फेवर में ये आर्ग्यूमेंट्स हैं कि दुनिया जब ये देखती है कि एक इलेक्शन के अंदर इमरान खान जेल में है, उसकी पार्टी के बहुत से लोग जेल में हैं, इमरान खान इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। और अगर आप इमरान खान को रिहा कर देते हैं एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान के पास कोई पार्टी स्ट्रक्चर है ही नहीं, इमरान खान आवाजें लगा रहे हैं राइट लेफ्ट पे, कोई है ही नहीं उनके आगे पीछे, तो आप ये भी कह सकेंगे कि इमरान खान रिहा भी थे और इलेक्शन भी फ्री फेयर हुए। बहरहाल ये एक थिंकिंग है, ये एक थॉट है, और शायद जो लोग हैं जिनके पास ताकत है वो शायद इतना बड़ा रिस्क ना लेना चाहें। अब तक इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।